हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज का सीन ऐसा है कि मैं सुबह 6:30 बजे जंगल चले गया था रूम में ताला लगा के। तो अभी लगभग 8 बज चुका है। अब मैं रिटर्न आया, मैंने चाबी चेक किया तो चाबी मेरे पास थी नहीं, जो कि जंगल में कहीं गुम हो गई है, जेब से गिर गई थी शायद, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो अब रूम का ताला ही तोड़ना पड़ेगा, यही एक ऑप्शन है। ऐसा कई बार होता है लेकिन मेरे साथ ये पहली बार हुआ है। आज किस्मत थोड़ी ख़राब थी। ये मेरी बाइक खड़ी है, रूम में ताला लगा हुआ है। अब देखते हैं, मैं बुलाया हूँ एक भैया को, वो आएंगे या तोड़ेंगे। चाबी मिल जाएगी तो काम दे देंगे। ऐसा क्या काम दे गए? चलो रूम खुल गया। हेलो गाइस, तो मैं फाइनली तैयार हो चुका हूँ। अब हम मुझे कॉल आया था कि पास वाले गांव में एक सांप आया हुआ है, घर में घुस गया है। अभी पानी गिरा है यहाँ पे, कल अच्छी बारिश हुई थी तो ज़्यादा गर्मी के कारण सांप आ गया होगा किसी के घर में, तो मुझे कॉल आया था। तो अभी मैं अर्जेंट वहीं पर जा रहा हूँ। एक सहयोगी बीट गार्ड यादव साहब को भी बुलाया हुआ हूँ, अभी वो जैसे ही आ जाते हैं तो हम फिर सांप रेस्क्यू करने के लिए चलेंगे। दोस्तों, यादव साहब आ चुके हैं ब्लॉगिंग करने लगाए हैं और अब हम लोग सांप रेस्क्यू करने चलेंगे इनके पास पूरे ही। अरे मैंने ये घर में सांप घुसा हुआ है, तो चलिए। इधर आना पड़ेगा, इधर आ पाएंगे, इधर आएगा पवन हूँ तो नहीं गया घुसा चक्कर में आया हूँ। मैंने काला बता रहे हैं। Sitting lonely in my room again, trying to find the words to say, but nothing comes out. I am looking for the better days, seem like they just stay away whenever I try. There's so many things that I keep in my mind. My friends keep me out and it hurts every time. With all the emotions I built up inside, oh why can't I? Will someone look for me if I disappear? No matter how much that I scream, nobody hears. But I see the light from far away, it's down the line. Maybe I should not give up without a fight. Cause there will be a time. Oh, 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 oh. There will be a time. Sitting lonely in my room again, acting like I'm innocent. Why do I try? Cause now I'm feeling like a fool again, thinking I can fool myself by telling me lies. When there's so many things that I keep. तो फाइनली सांप रेस्क्यू कर लिया गया है और ये रखी गए हैं। कैसे फनी नेटवर्क आया तो वो पूरे घबराने लगे। तो दोस्तों, फाइनली सांप रेस्क्यू करने के बाद सर की डिक्की में रखा हुआ है, वो पैक करके अभी से हम यहाँ पर
छोड़ देंगे। क्या ठंडा लगा हुआ हूँ, तैराक होता है ये। तो साहब को इज्जत पूर्वक छोड़ दिया गया है, सम्मान। अब वो यहाँ पर मछलियाँ खाएगा, अब वो यहाँ पर मछलियाँ खाएंगे। सर का एक्सपीरियंस कहता है और वो पानी के आसपास ही रहेगा। तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद कीमती समय निकालने के लिए। बताइए। मेरा नाम प्रवीण यादव है जी। और सिल्लारी में वन रक्षक के तौर पर पदस्थ हूँ और यहाँ पर मैं करीब 2017 से पदस्थ हूँ। और वाइल्ड लाइफ खासतौर पर स्नेक जो कि गलती से लोगों के घर में घुस जाते हैं, हम उनको सुरक्षित वहाँ से रेस्क्यू करते हैं। लोगों के बीच में जो है एक अवेयरनेस लाने की कोशिश करते हैं कि हर प्राणी इम्पोर्टेंट है। और जहाँ तक सांप जो है एक ऐसा प्राणी है जो सबसे ज़्यादा ह्यूमन इनकाउंटर में आता है, इसलिए उसको बचाना ज़रूरी है। और सारे सांप जो है यहाँ पर सभी पर्यावरण के लिए अलग अलग रोल रखते हैं। और अधिकांश सांप तो ऐसे होते हैं जो जहरीले होते नहीं हैं, लेकिन बेवजह जो है वो इंसान के करीब आने से मारे जाते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम जान बचाने की कोशिश करें। इससे ना सिर्फ वन्य प्राणियों खासतौर पर सांपों की जान बचती है, बल्कि इंसानों के बीच में जागरूकता आती है और वे सांपों के काटने की सरबंस जैसी घटनाओं में भी कमी आती है। पिछले 3-4 सालों से यहाँ पे सरबंस की घटनाएं बहुत ड्रामेटिकली कम हुई है। वहाँ से अपने व्यक्ति करें और अवेयरनेस फैलाइए, जिसकी वजह से सरबंस से होने वाली मौत जो इस इलाके में पहले हुआ करती थी वो बहुत कम हो गई है। थैंक यू।